आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। रेंज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रेंज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ना कोई कॉपी कर सकते हैं, ना फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ना पिवट लगा सकते हैं। तो डेटा सिलेक्शन जरूरी है। कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि हम एक पर्टिकुलर रेंज A1 से लेके J21 तक तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गारंटी थोड़ी है कि मेरा डेटा इतना ही होगा, अगले दिन डेटा हमारा बढ़ जाए या घट जाए। तो हमें कुछ डायनेमिक चाहिए जो डेटा के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन घटा दे या बढ़ा दे, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे तभी आगे हम कोई भी प्रोग्राम रन कर पाएंगे। सो सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमने बताया आपको था आज के लास्ट क्लासेस में कि हम यहां पे लिखेंगे कि रेंज A1 VVA मेथड है से लेके J21। तो अब प्रॉब्लम है कि इसको डायनेमिक करना है कि नहीं, ऐसा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तो फिर ये मेरा ऑटो सिलेक्ट नहीं होगा, कल के डेट में बढ़ता है तो नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ना कि मैं इसको एक बार करता हूं, तो अभी तो सिलेक्शन कर लिया इसने, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो मेरा एक के तक नहीं जाएगा, मेरा एक के तक नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि नहीं पूरा जाए, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहां पे रेंज A1.CurrentRegion करेंट रीजन को सिलेक्ट करूं, डॉट सिलेक्ट। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं कोड को थोड़ा सा इसको जल्दी दिखेगा इफेक्ट साफ साफ साफ, ठीक है। देखिए हमने बोल दिया रेंज A1.CurrentRegion, तो मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया, मतलब कि एक घट जाएगा तो आपकी सिलेक्शन भी घट जाएगी, अगर बढ़ जाएगा तो सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। ये क्या होता है करेंट रीजन का, बट करेंट रीजन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर आपके डेटा में पूरी की पूरी रो ब्लैंक हुई तो क्या होगा, तो उस केस में वो सिर्फ ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट करेगा, नीचे का डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो करेंट रीजन मतलब कि कंट्रोल ए यूज करते समय इसका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैंने यहां क्लिक कर लिया और यहां क्लिक कर लिया तो अब ये फालतू की सिलेक्शन करेगा, देखा आपने फालतू की सिलेक्शन कर लिया, सो इससे भी बचना है। तो इस पे हम अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि किसी कर्सर को मूव कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब मान लीजिए कर्सर का मूव मतलब कि मुझे इसको लेके नीचे की तरफ ऐसे से आने की बात नहीं कर रहा, मैं बोला हूँ कि मुझे यहाँ से सबसे लास्ट में जाना है, तो मेन्यू में हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करते हैं, करते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो। तो VVA कोड के साथ कैसे करेंगे, हम यहां लिखते हैं कि रेंज A1.end और एंड में हम यहां देंगे एक्सलेस डाउन डॉट सिलेक्ट, A1 से नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन दिया। अगर मैं डाउन की जगह पे यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा, डाउन की जगह पे मैं लेफ्ट दूं तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट दूं तो राइट की तरफ जाऊंगा, अप करूं तो अप की तरफ जाएगा। तो कर्सर को एंड तक मूव करने के लिए कोड ये होता है, समझ में आया आपको ये कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम है कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो अगर बीच में कहीं डेटा हमारा ब्लैंक हो गया तो दिक्कत क्या होगी कि मेरा डेटा जो है यहां से चलेगा लेकिन रुक जाएगा यहीं पे, क्योंकि ये फिल्ड डेटा तक चलता है, मतलब कि सीरीज, जैसे कि यहां पे क्लिक कर दिया और फिर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो सबसे लास्ट में जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो जो पहला फिल वैल्यू मिलेगा वहां पे आके रुक जाएगा।
तो अब अगर ऊपर ब्लैंक हुआ तो मैं ऊपर से नीचे नहीं आ पाऊंगा, तो अगर ब्लैंक हो तो ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? तो उसके लिए मेरा एक मेथड है कि मैं यहाँ पे दूंगा ए 15,000 65,000, अब यहाँ पे 10 लाख भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कर्सर को ले जाएगा ए 65,000, ठीक है। अब यहां से जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा, जो इसको पहला फिल वैल्यू मिलेगा वहां पे आके कर्सर रुक जाएगा। ये हमारा डाउन का मेथड है। तो कर्सर को कंट्रोल के साथ जो एरो की के साथ हम लेके चलते हैं एंड मेथड, उस मेथड को समझा। एक दूसरा हमारे पास आता है कि रेंज, रेंज हमने मान लीजिए कि ए वन डॉट एंड डॉट सेलेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये करेगा सबसे लास्ट, एक मिनट, आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, अच्छा इसके अंदर हमें देना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है, एक मिनट के दो, देखिए तो एक कोड था, मैं भूल रहा हूं कोड को, बहुत कम यूज करता हूं, चलिए इसलिए इसे स्टॉप करते हैं। अब तो पेज स्पेशल पे जाता है, ओके मैं गलत कर रहा था, ठीक है। तो यहां से आप जो है लास्ट में जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे इसको सिलेक्शन करके लाना, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको रखूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो कर। तो यहां से मैं राइट में ले आने के लिए मैं एक्सेल एंड डाउन की जगह पर राइट कर दूंगा, और डाउन तो डाउन पता ही है आप। तो इसमें मैं यहां पे दो कोड जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, इन दोनों कोड को मर्ज करूंगा। तो मैंने बोला कि मेरे रेंज का स्टार्टिंग पोजीशन ए वन है, मेरे रेंज का स्टार्टिंग पोजीशन ए वन है, और हमारा एंडिंग पोजीशन है रेंज ए वन से एंड एक्सेल टू लेफ्ट, और फिर डॉट सेलेक्ट कर दिया। यहां पे मैंने दो कोड को मिक्सअप किया, एक तो ऊपर वाले कोड को मिक्सअप किया है और एक हमारा ए वन फिक्स है, दोनों कोड को मिक्सअप कर दिया यहां पे। तो देखिए क्या होगा यहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने यहां एक छोटी सी गलती कर दी है, एक्सेल लेफ्ट नहीं एक्सेल राइट होगा, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो जाती है हमेशा मुझे, टू राइट। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, मतलब कि अगर हम अगर सिर्फ इस कोड को देखें, एक कोड क्या कर रहा है, ए वाले कोड, तो एक कोड का वर्क क्या है कि यहां से कर्सर को यहां मूव कर देना और इसकी इंफॉर्मेशन इस रेंज को दे देना, ताकि रेंज अपना एंडिंग पोजीशन निकाल ले और उतने एरिया को सिलेक्ट कर ले। तो हमने इस तरह से किया, जनरली हम लोग करते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो देते हैं तो आ जाता है, सेम यहां पे आप करते हैं। उसी साथ में अगर मुझे मान लीजिए नीचे भी लेके आना है, तो मैं लिखूंगा रेंज, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है सिलेक्शन और एंडिंग पोजीशन है सिलेक्शन डॉट एंड
एक्सल डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, और फिर मैं करूंगा डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे, तो ये डाउन में स्पेलिंग ठीक है, ये होना चाहिए एस कर दिया हमने। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया, क्लियर है। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आपका डेटा यहां ब्लैंक हुआ और आपका यहां ब्लैंक हुआ तो क्या होगा, डेटा आपका इतना ही सिलेक्ट होगा। तो इतना सिलेक्ट ना हो, डेटा पूरा सिलेक्ट हो, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल लेंगे हम, यहां पे बोलेंगे कि यहां पे रेंज, आर इक्वल टू रेंज, कोई ऐसा सेल होगा जिसमें नीचे ब्लैंक ना होगा, उसे करेंगे ए 65,000 डॉट एन एक्सलेस अप डॉट रो, ठीक है। तो इसकी रो नंबर लेंगे और सेम करेंगे यहां पे सी, सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट कॉलर। अब ये क्या करेगा, एक तो नीचे पहला वाला लाइन जो है आपका, ये करेगा कि ए आपका ए 65,000 पे जाएगा और वहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा और या जहां पे कर्सर रुकेगा उसका रो नंबर आर पे स्टोर कर देगा। दूसरा क्या करेगा कि सबसे लास्ट में, कॉलम के सबसे लास्ट में जाएगा, यहां XFT1 लास्ट कॉलम पे जाएगा और यहां से लेफ्ट की प्रेस करके आएगा, जहां उसका पहला कॉलम आएगा वो उसका कॉलम लेगा। तो जो कॉलम आर के ऊपर कितना स्टोर है, 21 स्टोर हुआ, 21 रो, 20 वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है, ये 21 रो स्टोर होगा। और कॉलम के ऊपर कितना स्टोर होगा, तो कॉलम के ऊपर स्टोर होगा हमारा 10। तो यहां पे हम बोलेंगे कि रेंज हमारा स्टार्टिंग पोजीशन तो A1 है, एंडिंग पोजीशन, अब मेरे पास क्या है कि जो कॉलम है और जो रो है वो न्यूमेरिक में है, लेकिन रेंज को तो अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, तो न्यूमेरिक में कौन 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 सा कोड यूज करता है रेंज को, वीर सिंह जी के पास रो एंड कॉलम न्यूमेरिक में हो तो किस में डाल के आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सर इनडायरेक्ट यूज करेंगे, अभी एक्सेल पे कुछ चल जा रहे हैं वीर सिंह जी, कल बताया था आपको मैं सेल्स में बोलेंगे कि रो एंड कॉलम तो रीड करके बताएगा इनडायरेक्ट की तरह और हमने बोलेंगे सिलेक्ट। तो अब मेरा डेटा जैसा भी हो सिलेक्ट तो कर ही लेगा, समझे, ये हमारा सिलेक्शन मेथड है, एक मैनुअल रेंज को सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए करना, कर्सर को मूव करना और मूव करते हुए सिलेक्ट भी कर लेना शिफ्ट दबा के, और लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को कहीं पे होल्ड करके फिर डेटा को सिलेक्ट करना, राइट, क्लियर है, यस सर, कोई डाउट इसमें, सुजीत सर, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ सर, अगर ये जो जे एक मिनट वो किसी के माइक से, एक मिनट माइक सही कर लीजिए, हाँ हेलो आवाज आई मेरी भी, हाँ बोलिए, अगर ये जे कॉलम में सपोज यहाँ पे कहीं पे अगर यहाँ ब्लैंक होगा तो फिर नहीं लेगा, लास्ट कॉलम और लास्ट रो फिल होना चाहिए आपका, ये इंटायर मतलब कॉलम फिल होना चाहिए, ये रो भी इंटायर, हाँ, हाँ, ओके,
इसमें एक या इसमें एक कलर, एक कलर और भी ये है, यहाँ देखिए एक्टिव स्पेशल सेल्स लास्ट सेल भी है, बट लास्ट सेल में जरूरी नहीं कि यहाँ पे आएगा, लास्ट सेल में यूज सेल पे चला जाता है जो यूज किया हुआ है। ओके जैसे इसको आप रन करके देख लीजिए तो आपको सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि इससे ऊपर की जो सेल्स हमने यूज की हुई है। ओके इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है? दे दे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, पहले यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने ये जो कोड रन, मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैं एक एक कोड रन करके दिखा रहा हूँ ना, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कोड समझ में नहीं आता, रन करके दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको एक्सेल ए कर दिया, इसी को ले लेते हैं, राइट। ये क्या करता है, मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर कहीं भी होगा ये लास्ट सेल पर आ जाएगा, एक कॉलम के लास्ट सेल, मतलब कि नीचे से यहाँ पे ए 65,000 से यहाँ पे जाएगा, वहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा तो कर्सर हमारा यहाँ आएगा, बट मुझे यहाँ पे कर्सर नहीं लाना है, इससे एक सेल नीचे लाना है, समझे, मुझे इससे एक सेल नीचे लाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट ऑफसेट 0,1,0, रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। तो हमने वन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आएगा, मतलब कि ये जो एंड तक का जो आपका कोड है वो कोड इसको यहां तक ले आएगा। ऑफसेट क्या करेगा, इसमें दिया हुआ है वन तो एक रो नीचे ला देगा, कॉलम में जीरो है तो कोई कॉलम चेंज नहीं करेगा। अगर मैंने कॉलम वन कर दिया तो क्या करेगा कि एक यहां से एक रो नीचे और एक सेल आगे कर देगा। ओके अगर मान लीजिए मैंने इसमें माइनस में दे दिया, जैसे माइनस वन कर दिया कॉलम नंबर को, तो क्या होगा कि ए एक नीचे आएगा, एक रो नीचे आएगा, अभी इसमें एरर दिखाएगा, तो मुझे इसको बी को लेकर चलना होगा, बी हाँ, तो एक नीचे से यहां से ऊपर आया, एक रो नीचे आया, एक कॉलम पीछे गया, तो माइनस देने से यही फर्क करता है। तो ऑफसेट का यूज होता है कि जहां पे आपका कर्सर रुकता है वहां से जितने कॉलम आगे पीछे करने हो उसका यूज कर सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा क्योंकि कल की क्लास इसी पे डिपेंडेंट है, राइट सर। ऑफसेट समझ में आ गया, ऑफसेट क्या करता है? यस सर। किसी को किसी तरह का डाउट ऑफसेट में? चलिए, तो ऑफसेट काम ये है हमारा। अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, जैसे कि मेरा डेटा अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से ना हो तो कैसे कैसे, क्योंकि हो सकता है अब मेरा ऐसा कुछ डेटा है जो कि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, मेरा डेटा स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हेडिंग भी लिखा हुआ है कि डेली सेल्स, मुझे ही डेटा को कॉपी करना है। हाउ कैन कॉपी करेंगे, यहां ए वन तो चलेगा नहीं क्योंकि एंडिंग पोजीशन, चलो मैं एंडिंग पोजीशन तो चलो मैं एंड से निकाल लूंगा, एक्सेलस अप से ये एंडिंग पोजीशन निकल जाएगा, बट स्टार्टिंग पोजीशन का क्या? यस सर। तो आप ऐसा कॉलम ढूंढें जो कि ऊपर से ब्लैंक हो, तो यहां पे हम सबसे पहले देंगे रेंज R इक्वल टू, यहां देंगे कि रेंज A1 से एंड और कहां तक, डाउन तक डॉट गो। तो ये क्या होगा कि A1 नहीं, माफ कीजिएगा, कोई ऐसा ही ले लीजिए, E1 ले लेता हूं मैं, E1, तो E1 से नीचे की तरफ वो एंड करेगा और इसका रोल नंबर ले लेगा। फिर मैं यहां पे दूंगा रेंज, रेंज में स्टार्टिंग पोजीशन हमारा है ए के साथ, हमने कंबाइन किया आर को, और एंडिंग पोजीशन है रेंज ए 65,000
डॉट एंड एक्सेलेस अप, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करता हूं, देखिए डेटा सेलेक्ट है, लेकिन फिर इसमें कॉलन एंडिंग पोजीशन का रो है यहाँ पे अप हो गया, इसका रो पता चल गया, बट इसका कॉलन, मान लीजिए आपको कॉलन पता नहीं है इसका, तो कॉलन पता नहीं है तो क्या करेंगे, इस सी वाला मेथड अपनाएंगे, कॉलन पता करेंगे, और यहाँ जो है आप सेल्स लगाएंगे, सेल्स, और सेल्स में ए आपका एंड रो हो जाएगा और कॉमा सी, कॉलम सी हो जाएगा। ओके, अब आपका डेटा परफेक्टली, वहाँ पे XLS D1 नहीं होना चाहिए, D5 या 6 होना चाहिए, ऑटोमेशन रो नंबर सी में। यहाँ पे XLS 1 नहीं होना चाहिए, बात सही कहा, यहाँ पे हम एंड करेंगे R, समझे? अब सेलेक्ट क्लियर, सेलेक्ट ये हमारा सिलेक्शन मेथड था, राइट। लेकिन अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि अगली क्लासेस से हम हर जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेथड है, आपको कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें से कोई एक मेथड यूज नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अप्लाई करने के लिए हम सिलेक्शन तो करेंगे ही करेंगे। सो प्लीज इसको रिमेंबर कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसलिए इससे रिलेटेड हमें आपको वीडियो भी पहले भेजा था, राइट सर, राइट सर, सर। हाँ नीरज जी, आपकी माइक का प्रॉब्लम है, आवाज इको क्या आ रही है? हेडफोन यूज कीजिए। नहीं सर, आपकी आवाज, मेरी आवाज इको क्या आ रही है? आपने डबल डबल माइक और कैमरा यूज किया, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं सर, आज के लिए इतना ही, ओके, गुड नाइट।